आज राजभवन में दरबार हाल में संत बाबा घासीदास जी एवं शहीद वीर नारायण जी का तेल चित्र का अर्पण किया गया है। चूंकि ये ऐसे दोनों संत पुरुष थे जो इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में उनका जन्म हुआ, आज के दिन ही 18 दिसंबर 1756 में गुरुदास जी का जन्म हुआ था बलौदा बाजार जिले में, और जिन्होंने लोगों को बहुत से ऐसे संदेश दिया, और वो कहते थे कि ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है, और उन्होंने समाज के लिए भी बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो शोषित पीड़ित ऐसा जो समाज रहा है उसके उत्थान के लिए उन्होंने लोगों को जागरूक किया, और उन्हें किस तरह से सामाजिक समरसता में लाने कैसे आए, और उस दिशा में उन्होंने बहुत प्रयास किया। आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ऐसे महापुरुष संत का जन्म इसी प्रदेश में हुआ, और इसी तरह से शहीद वीर नारायण जी ने भी इस प्रदेश के लिए, गरीबों के लिए, आदि विशेष तौर पर आदिवासी समाज के लिए जो उनको न्याय दिलाना, उनकी गरीबी में जिस तरह की स्थिति थी उस समय अंग्रेजों के ज़माने में, लोग भूखे मर रहे थे, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, और उन्हें वो तमाम चीज़ों को दिलाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी, और एक ऐसे वीर पुरुष इस छत्तीसगढ़ में जन्म लिए। ये दोनों संत महावीरों को मैं नमन करती हूँ, और यही कहती हूँ कि आज के दिन हम ऐसे संत बाबा घासीदास जी को हम स्मरण करें और उनके बताए मार्ग पर चलें।